हेलो गाइस, वेलकम टू माय सोशल मीडिया अकाउंट। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले वीडियोस को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर कीजिए। तो गाइस, आप जैसे ही देख पा रहे होंगे तो गाइस ये धुआं, काफ़ी ज़्यादा धुआं दिख रहा है आपको। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि जो शिमला का IGMC हॉस्पिटल है, काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। तो गाइस, उसकी जो नया बिल्डिंग बनी थी अभी, उसका मतलब कुछ टाइम पहले ही उसका उद्घाटन हुआ है। मतलब जब ये कांग्रेस सरकार आई तो मतलब जो यहाँ के हिमाचल के CM है सुक्खू जी, तो उनकी उन्होंने इस चीज़ का इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, इस बिल्डिंग का। तो आप लोगों ने IGMC का नाम सुना होगा गाइस, काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है। मतलब काफ़ी अच्छा इलाज होता है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। तो गाइज, उस बताया जा रहा है कि वहाँ शिमला के जो न्यू बिल्डिंग है IGMC में, तो उसकी टॉप फ्लोर पे आग लग चुकी है, जिससे ये धुआं उड़ते हुए आपको दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा धुआं हो रहा है। तो गाइज, इसमें जो टॉप फ्लोर था उसमें आग लगी है बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि इसका अभी मतलब अभी इसमें मतलब डॉक्टर वगैरह भी थे अंदर, जो सुनने को आ रहा है कि डॉक्टर वगैरह भी थे, सब काफ़ी से लोग थे इसमें अंदर। और पता लगा कि जो वहाँ पे कैंटीन थी, जहाँ पे मतलब खाना पीना के लिए मतलब रहता है, मतलब छोटा मोटा नॉर्मल नॉर्मल सा, जैसे कोई आते हैं मतलब हॉस्पिटल आते हैं तो उनकी मतलब खाने पीने की सुविधा रहती है, तो गैस उस चीज़ में आग लगी है। बताया जा रहा है कि वहाँ पे उस कैंटीन में पहले आग लगी, उसी के बाद ये हॉस्पिटल पूरे हॉस्पिटल में आग फैली है। तो गैस, और जो कैंटीन का मैं जो ओनर था, उनका भी कोई आइडिया नहीं है कि क्या हुआ इसमें, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास। बट जो उस बताया, साथ में ऐसे सुनने का बताया जा रहा है कि जो इसमें आग लगने का कारण था, तो गैस आग लगने का कारण जो इसमें कैंटीन थी उसमें सिलेंडर फटे की फटने की आवाज़ें सुनाई दी। बाहर लोग बता रहे हैं कि सिलेंडर फटने की आवाज़ सुनाई दी हमें। तो गैस आग उसी वजह से लगी आई थिंक, कि जो सिलेंडर वगैरह में मतलब लीकेज वगैरह हमारा था शायद, आई थिंक तो उस वजह से शायद IGMC की जो टॉप फ्लोर है, न्यू बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है, उस वजह से इसमें आग लगी है। जिससे आप देख ही सकते हो गए इस वीडियोस में भी कि काफ़ी ज़्यादा धुआं निकल रहा है। और साथ ही साथ आप बिल्डिंग देख सकते हो कि बिल्कुल नई है, अभी तैयार हुई थी लगभग, अभी इसको मतलब कि अभी इसको दो एक या दो 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 3 मंथ हुए होंगे मतलब तैयार हो के, मतलब काम इसमें शिफ्टिंग हो के। तो मतलब कि ये परसों यहाँ पे आग लग गई है। तो ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे कि कितना धुआं हो उठा है। अभी कुछ पता नहीं है अंदर भी कितने लोग फंसे हैं, कितना क्या क्या नुकसान हुआ है। और तो जब आग बुझेगी उसी के बाद कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, किसी को कोई चोट वगैरह आई है, कुछ प्रॉब्लम और ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई कि जिससे कोई लोगों को नुकसान हो या कुछ अलग बात है। तो गैस, उस चीज़ के लिए आपको मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना है। और ये आप देख ही सकते हो, धुआं काफ़ी ज़्यादा धुआं फैला हुआ है। तो गैस, जो फायर ब्रिगेड वगैरह है वो भी आग बुझाने पहुँच चुकी है यहाँ पे। तो गैस ये देख ही सकते हो आप, बट जब आग किसी भी जगह आग लग जाती है तो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है बुझाने में, क्योंकि नहीं आसानी से आग बुझती नहीं है, चाहे आप जितना मर्जी पानी डाल दो उस चीज़ में नहीं जल्दी से आसानी से आग बुझती नहीं है। तो ये देख ही सकते हो आपका इस कितना धुआं और कितना नुकसान हुआ है, आप आइडिया लगा सकते हो वीडियोज़ में देख के। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी, इसी वीडियो में भी बता सकता हूँ या नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊँगा कि अंदर से किस तरीके का व्यू है और क्या क्या अंदर से रहा, कितना नुकसान अंदर हुआ, कितना तक का खर्चा आएगा अभी इसमें रिपेयर करने के लिए, और कुछ लोगों को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देख ही सकते हो गैस आप वीडियोस में। तो ये धुआं देख सकते हो आप शिमला में, कि ये एक बड़ी काफ़ी बड़ी खबर है शिमला से, क्योंकि अगर कहीं कुछ भी नुकसान हो जाता है या किसी पब्लिक मतलब कोई भी वहाँ पे हॉस्पिटल में दिखा चेकअप के लिए गए हो, तो उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई होंगी, क्योंकि जब आग लगती है तो उस टाइम पता नहीं लगता कि क्या करें, इस समय पे हम क्या कर सकते हैं कि अपने आप को बचाएं। तो गाइस, आग का कोई भरोसा नहीं, आग कभी भी कहीं भी लग सकती है।
बट कोशिश कीजिए कि ज़्यादा भीड़ भड़का वाला वो मतलब ऐसा नहीं कीजिए, मतलब कि जो गिर रहा है उसके ऊपर से चढ़ के चले जाए। कोशिश कीजिए कि आपके साथ जितने भी लोग हैं उनको बाहर ले जाने की कोशिश कीजिए, या जैसे इसमें तो जैसे टॉप फ्लोर पे आग लगी है तो अब इनको मतलब निचली मंजिल को आ सकते थे, साइड को जा सकते थे। और ज़्यादा मैं इसमें बता नहीं सकता कि क्या क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी हमें उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है कि क्या नुकसान हुआ है IGMC में। बट काफ़ी ज़्यादा आग लगने के चांस, मतलब काफ़ी ज़्यादा आग लगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देख के लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि ये देख सकते हो आप धुआं, ये थोड़ा नॉर्मल सी आग लगती तो मतलब इस टाइम कोई ना धुआं नहीं होना था। आप वीडियोस में भी देख सकते हो कि कितना धुआं उड़ रहा है। साथ ही साथ आप वहाँ पे जितनी भी पब्लिक थी सब परेशान हो गए होंगे, हॉस्पिटल वाले सब परेशान हो गए होंगे।